हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सूरज सर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, किस तरीके से हाउ टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, किस तरीके से एक सेंटेंस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो भी बेसिक टू एडवांस रूल्स था, जो भी आपका कंपटीशन लेवल में आपका जो कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, आज जो है मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा एन एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है स्टूडेंट। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स होता है आपका विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड हाउ टू वर्क्स इन अ सेंटेंस। मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट कि क्या परिभाषा होता है एडजेक्टिव का, किस तरीके से आपका एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ मेनी यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव के कितने प्रयोग होते हैं, किस तरीके से हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है बेल आइकन को डियर स्टूडेंट प्रेस कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव क्या होता है अभी हमने बताया। जो एडजेक्टिव होता है डियर स्टूडेंट, इट मीन्स विशेषण। क्या होता है? विशेषण होता है। एडजेक्टिव का जो डिफिनेशन होता है डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि एडजेक्टिव जो होता है डियर स्टूडेंट, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई और नाउन और प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो विशेषण होता है, जो एडजेक्टिव होता है, वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। डियर स्टूडेंट, विशेषता में कि जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है उसका रंग बताए, नाउन का रंग बताए, रूप बताए, आकार बताए, प्रकार बताए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आकार प्रकार, इसके अलावा डियर स्टूडेंट कैसा है, बुरा है, काला है, जो भी है डियर स्टूडेंट, रंग रूप आकार प्रकार लंबाई ऊंचाई डियर स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आपका क्या करता है? जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव आपका नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्या करता है। बेसिकली जो एडजेक्टिव का कार्य होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताने का ही इसका काम होता है। जैसे एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा कि एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब भी होता है जो आपका विशेषता बताने का कार्य करता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जो एडजेक्टिव होता है वह केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि एडवर्ब जो होता है वह नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी बचते हैं सबका क्या करता है? विशेषता बताने का काम करता है। आपका प्रश्न भी पूछा जाता है डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज द बेस्ट क्वालिफायर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अच्छा क्वालिफायर, सबसे अच्छा विशेषता बताने वाला शब्द तो क्या होता है। ये कंपटीशन में पूछा गया डियर स्टूडेंट कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे अच्छा विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा होता है। तो आपका ऑप्शन दिया रहता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो हम क्या होता है कि मोस्टली हम जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है विशेषता बताने का कार्य करता है। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव को ही ट्रिक लगा के चले आते हैं कि एडजेक्टिव इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ध्यान देना है कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है आपका, बस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लेकिन जो एडवर्ब होता है डियर स्टूडेंट, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर होल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बचता है सबका आपका विशेषता बताने का कार्य करता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा बेस्ट क्वालिफायर होता है डियर स्टूडेंट, एडवर्ब। क्या होता है आपका? एडवर्ब क्रिया विशेषण। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है,
मैं एडजेक्टिव का डिफिनेशन बता दिया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, कि जब भी ऐसा शब्द जो नाउन का या प्रोनाउन का रंग बताए, रूप बताए, आकार बताए, प्रकार बताए, लंबाई बताए, चौड़ाई बताए, तो ऐसे कंडीशन में वो जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल्स आपका लाइक सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, सी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन। क्या रेस्टेंट कि वह एक सुंदर औरत है, वह एक सुंदर औरत है। रेस्टेंट ध्यान दीजिएगा, वह कैसी औरत है, वह कैसी औरत है, ब्यूटीफुल। क्या रेस्टेंट, ब्यूटीफुल। यहाँ क्या बता रहा है आपका, रंग बता रहा है कि वह कैसी औरत है रेस्टेंट, रूप बता रहा है वो कैसी औरत है, सुंदर औरत है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यहाँ जो आपका विमेन है, क्या आपका विमेन है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है आपका, ब्यूटीफुल, कि वह कैसी औरत है, सुंदर औरत है डियर फ्रेंड। तो यहाँ एडजेक्टिव का क्या काम है, एडजेक्टिव का बेसिकली जो वर्क है डियर फ्रेंड, जो नाउन है आपका, नाउन का विशेषता बताने के लिए क्या होता है आपका, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा डियर फ्रेंड कि जो एडजेक्टिव होता है हमेशा आपका नाउन के पहले आता है, हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड। सो देखिए ब्यूटीफुल वुमेन, वुमेन से पहले क्या है आपका, ब्यूटीफुल आए, और क्या कर रहा है ब्यूटीफुल, जो औरत है औरत का विशेषता बताने का कार्य कर रहा है डियर फ्रेंड। अगर अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, राम इज अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट बॉय, बॉय डियर फ्रेंड। राम क्या है, एक सुंदर और, एक सुंदर और इंटेलिजेंट लड़का है, एक सुंदर और इंटेलिजेंट लड़का है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हैंडसम है एंड इंटेलिजेंट है, ये क्या कर रहा था, बॉय का, बॉय का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता बता रहा है, लड़के का, कि लड़का जो राम है, राम कैसा है आपका, सुंदर है और इंटेलिजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ये दोनों वर्ड क्या होंगे, ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है। ये क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये जो लड़का है, लड़का का विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। फिर दूसरा देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज अ बिग हाउस, ही हैज अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है, उसके पास एक बड़ा घर है। तो डियर स्टूडेंट बड़ा, उसके पास कैसा घर है, बड़ा ये क्या बताया, आकार प्रकार, आकार से बता रहा है, क्या बता रहा है आपका, साइज बता रहा है कि कैसा घर है, उसके पास ये बड़ा घर है। तो बिग क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, बिग क्या कर रहा है आपका, ये जो हाउस है, हाउस का विशेषता बता रहा है। तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ये जो बिग है, बिग क्या कर रहा है आपका, नाम का विशेषता बता रहा है। बिग क्या होगा आपके सेंटेंस में, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। फिर देखिए, इट इज अ चार्मिंग, इट इज अ चार्मिंग सीनरी, कह रहे हैं यह एक आकर्षक, आकर्षक दृश्य है, कैसा है, यह एक आकर्षक दृश्य है। तो देखिए कैसा है यह दृश्य, कैसा है, आकर्षक है, क्या है आपका, आकर्षक है। तो डेस्ट जो चार्मिंग है, चार्मिंग शब्द क्या कर रहा है आपका, दृश्य का, जो सीनरी है, सीनरी क्या कर रहा है, विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। ऐसे कंडीशन में जो सीनरी है डेस्ट, सीनरी क्या होगा आपका, सॉरी जो चार्मिंग है, चार्मिंग क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा, एंड जो सीनरी है डेस्ट ये क्या आपका, नाउन है। तो नाउन के पहले कभी भी आपका, अगर आपका रंग रूप आकार प्रकार अगर बताने वाले शब्द आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है आपके, एडजेक्टिव होते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन के पहले ये ध्यान देना कि कभी भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के पहले आएगा। तो देखिए आप ये भी ध्यान दीजिएगा, आपको अगर समझ में आया है तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ एडजेक्टिव, किस तरीके से, हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस, जो एडजेक्टिव होता है किस तरीके से हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, क्या उसके यूजेस होते हैं। और डियर ये ध्यान दीजिएगा कि देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होते हैं दो प्रकार से एक सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। कितने प्रकार से यूज है, देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, दो एक सेंटेंस में दो प्रकार से हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, पहला जो है डियर स्टूडेंट एट्रीब्यूटिव,
एट्रीब्यूटिव, पहला जो यूज है डीएसटीव क्या है आपका एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव आप हम यूज कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ये क्या एडजेक्टिव होता है ध्यान दीजिएगा कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो एडजेक्टिव ऐसे प्रयोग को एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड कि जब कभी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है तो ऐसे कंडीशन में वो जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो आपका हमेशा नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइक ही हैज अ रेड पेन, ही हैज अ रेड पेन, उसके पास लाल कलम है, उसके पास लाल कलम है, कैसी कलम है, रेड कलम। पहला नंबर डेफिनेशन क्या कर रहा है, ये जो रेड है, रेड किसकी विशेषता बता रहा है, पेन की बता रहा है विशेषता। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो रेड है, रेड क्या जगह पर एडजेक्टिव होगा। अगर मैं यूज देखना हो डेफिनेशन कि किस तरीके से ये यूज किया गया है, तो ये जो यूज किया गया डेफिनेशन, ये नाउन के पहले यूज किया गया है, किसके पहले, नाउन के पहले यूज किया गया है। अगर ये नाउन के पहले यूज किए गए होंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका, ये एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव यूज आपका होगा। फिर देखिए, रमेश वाज अ क्लेवर मैन, रमेश वाज अ क्लेवर मैन, रमेश एक चालाक व्यक्ति था, रमेश एक चालाक व्यक्ति था। देखिए जो मैन है, मैन क्या आपका, मैन इज अ नाउन, क्या आपका नाउन है, और नाउन से पहले यूज किया गया आपका क्लेवर यूज किया गया। क्लेवर क्या है आपका, राम कैसा आदमी था, राम एक चालाक आदमी था। यहाँ जो क्लेवर होगा ये क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो क्लेवर है ये कौन सा यूज है, यूज पूछ दिया जाए कि कौन सा भी यूज है, तो ऐसे कंडीशन में यूज कौन सा डिस्टेंट, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए डिस्टेंट, थर्ड एग्जाम्पल है लाइक श्याम इज अ हैंडसम बॉय, श्याम इज अ हैंडसम बॉय, श्याम एक सुंदर लड़का है। तो ऐसे कंडीशन देखिए नाउन से पहले क्या प्रयोग किया गया आपका, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ऐसे कंडीशन में ये जो हैंडसम है डियर स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडजेक्टिव है, अगर आप यूज पूछेगी कि ये कौन सा यूज है, ये डियर स्टूडेंट एट्रीब्यूटिव यूज है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि नाउन क्या है आपका, गर्ल है, और गर्ल के पहले क्या यूज किया गया आपका, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सीता कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो ऐसे कंडीशन में जो ब्यूटीफुल एडियन क्या होगा आपका, एडजेक्टिव होगा। और इसका अगर यूज पूछा जाए कौन सा यूज हुआ है, क्या यूज हुआ एडियन, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है, एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया एडियन प्लीज इसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीन शॉट इसका ले लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जो भी आपको बताया, लाइक आपका एडजेक्टिव का डिफिनेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एंड मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हाउ टू यूज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में किस तरीके से आपका एडजेक्टिव यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि दो टाइप होते हैं यूज करने में, क्या होता है आपका एट्रीब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेटिव। ध्यान दीजिएगा मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव पर जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स एट्रीब्यूटिव है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एट्रीब्यूटिव क्या है। दूसरा जो यूज होता है प्रेडिकेटिव यूज, डियर जो प्रेडिकेटिव यूज होता है वो यूज होता है आपका कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। डियर ध्यान देना कि अगर आपका नाउन के पहले होगा तो ऐसे कंडीशन में यूज क्या होगा आपका, एट्रीब्यूटिव होगा। अगर आपका नाउन का प्रयोग नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, वो मैं फिर से बताता हूँ कि जब आपका नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होगा तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है आपका, एट्रीब्यूटिव होता है। जब आपका नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या होता है आपका, प्रेडिकेटिव यूज होता है। और एक बात ये भी ध्यान देने वाली है क्वेश्चन कि प्रेडिकेटिव यूज में जो एडजेक्टिव होता है हमेशा आपका वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, या कह सकते हैं कि जो एक्सिलरी वर्ब है
आखिरी वर्ब के बाद बाद इसका जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एट्रिब्यूटिव यूज क्या होता है एंड प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। प्रेडिकेटिव यूज में आपको बस यही ध्यान देना है कि ये जो एडजेक्टिव है हमेशा वाक्य के एंड में आता है या एग्री वर्ब के बाद आता है, यही ध्यान देना है आपको। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा प्रेडिकेटिव यूज में क्या होता है, लाइक राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेडिकेटिव क्या होता है स्टूडेंट, प्रेडिकेटिव में क्या होता है कि जो एडजेक्टिव होता है वाक्य के एंड में आता है। कहाँ आता है, वाक्य के एंड में आता है और कोई भी नाउन नहीं आता है स्टूडेंट, कोई भी नाउन नहीं आता है। अगर आपका नाउन आ जाएगा जैसे कंडीशन में क्या जाएगा एट्रिब्यूटिव, ऐसे सेंटेंस को लिखना है राम इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। ऐसे कंडीशन में देखिए ऑनेस्ट आ रहा है और ये किसके पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या आएगा आपका एट्रिब्यूटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा एट्रिब्यूटिव हो जाएगा। लेकिन जब आपका नाउन नहीं रहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका प्रेडिकेटिव होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि दिस बुक इज रेड, यह पुस्तक लाल है, यह पुस्तक लाल है, यहाँ पर रेड का प्रयोग हुआ है, किसमें यूज हुआ है आपका प्रेडिकेटिव में, किसमें यूज हुआ है प्रेडिकेटिव हुआ है। फिर देखिए कि ही वॉज लेबोरियस, ही वॉज लेबोरियस, ये जो लेबोरियस है स्टूडेंट ये वाक्य के एंड में यूज हुआ है, देखिए एडजेक्टिव वर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब के बाद में हुआ है। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो प्रेडिकेटिव होता है वो एडजेक्टिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, इसके बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब ये कभी भी नाउन के पहले इसका प्रयोग नहीं होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या एट्रिब्यूटिव होता है, क्या प्रेडिकेटिव होता है, और क्या आपने सीखा होगा कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, डिफिनेशन क्या होता है एडजेक्टिव का। डियर फ्रेंड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर फ्रेंड अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं लाइक आप बोर्ड एग्जाम का लाइक 10th 12th, इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक UPTET प्राइमरी जूनियर TCET PCET एंड CTET, जैसा कि आपको पता है कि CTET का एग्जाम आ गया है, अगर आप इन चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच डियर।